है। तीसरा वाक्य है, इस काम को तुम्हें ही पूरा कर दो। चौथा वाक्य है, इस काम को तुम्हें ही पूरा करना। अब ये हमारे पास चार वाक्य हैं। चार वाक्यों में एक शुद्ध है और तीन जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हैं। अब हमने देखना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य सही नहीं है या ठीक नहीं है। देखो भाई, हम पहला वाक्य देखते हैं, इस काम को तुम्हें ही पूरा करो। वाक्य बनता है नहीं बनता ना, इसका मतलब ये अशुद्ध है, सही नहीं है या गलत है। दूसरा वाक्य है, इस काम को तुम्हें ही पूरा करना है, ये अशुद्ध है या शुद्ध है भाई? शुद्ध है। देखो, इस काम को तुम्हें ही पूरा करना है, जैसे मैं कहूँ मैं इस काम को तुम्हें ही पूरा करना है तो ऐसे बोलूंगा ना, ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं इस काम को तुम्हें ही पूरा करो, बात तो नहीं बनेगी ना। तो ऐसे सही कौन सा होगा, इस काम को तुम्हें ही पूरा करना है, तो हमारा जो व्याकरण की दृष्टि में जो ये वाक्य है वो सही।